हेलो, हाँ अरविंद पहुंच गए। सरोजा मैं यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। सरोजा मुझे प्लीज बात करने दीजिए, सरोजा मेरी बात सुन रही हो तुम? सरोजा अरविंद, हेलो अरविंद, अरविंद हेलो हेलो एम्बेसी से अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपके पति को दूसरे देश की पुलिस की गिरफ्त में। आज के जमाने में सुरक्षा नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? क्यों एक आदमी को घर से बाहर कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि आज ना जाने खतरा किस रूप में और कहां से आकर उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन इस आदमी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस पर मुसीबत कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन क्या जैसा दिख रहा था वैसा ही था, या पुलिस के पास कोई खास वजह थी इस आदमी को निशाना बनाने की? क्या इसने कोई गलती की थी या इसे फंसाया जा रहा था? क्या थी असलियत, यह जानने के लिए हमें चलना होगा तकरीबन 1 महीने पीछे, मुंबई के एक छोटे से प्यारे से घर में। अरविंद, कहाँ चले गए? अरे कहाँ गए थे? अरे अंतरा काकी के पास जरा तेल लेने। तेल क्यों? अरे मैं हमारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ सरोजा। नाश्ता? कभी गैस भी जलाइए खुद से, ये क्या हाल करके रखा है मेरे किचन का, छोड़ो। तू रहने दे, मैं सब संभाल लूंगा। क्या ना सरोजा, मैं थोड़े दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि कम से कम एक बार तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए कम से कम एक बार तो नाश्ता बना ही सकता ना। नहीं। क्या नहीं? अरे ये क्या हाथ काट लिया? थोड़ी सी चोट लगी, छोटी चोट। कितना खून निकला, चलो जाने दे, मैंने मुझे नाश्ता बनाने। अरे छोड़ दो ना सरोजा, मैं 3 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल तो रख लेगी ना? पर जरूरत क्या है, इतना दूर नौकरी करने की क्या जरूरत है? कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल उधर? देख अभी ना 2 दिन पूरे हैं मेरे पास, तब तक तो तू मेरा ख्याल रख ही सकती है। क्यों रखेगी ना? बस ऐसे ही बात करते रहो। 2 दिन बचे तुम्हारे लिए, तो कोई कपड़े भी नहीं लिए। सरोजा बहुत कपड़े मेरे पास, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए, समझ गई तू? चलो 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 आज लेके। 2 दिन बचे और तू कपड़े खरीदने जा रहा? सुन ना, अरे सुन सरोजा, नहीं यार अब लगता है 6 महीने के लिए जाना पड़ेगा। इतनी सारी खरीदारी की है तुमने, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम तो रहने दो, सारी मेहनत मैं कर रही थी, तुम तो ताड़ रहे थे ना उन छोटे कपड़े वाली मॉडल। ताड़ नहीं रहा था सरोजा, मैं बस ये देख रहा था कि अगर तू ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो कैसी लगेगी। मैं और वैसे कपड़े? तू सुना, मैंने तेरे लिए सरप्राइज दिया। क्या सरप्राइज है बताओ ना। अरे चल तो बता दो। अरे चल ना। अरविंद सब तैयारी हो गई क्या? हाँ काकी सारी तैयारी हो गई। अरे
इससे पहले मैं कुछ भूल जाऊं, ये ले पैसे, तूने मांगे थे ना। हाँ। बहुत जुगाड़ करके मैंने इकट्ठा किया है, ले ले, संभाल के रखना इसे। बहुत बहुत शुक्रिया काकी, अगर आप नहीं होती ना तो फिर मेरा क्या होता। अरे कैसे मैं नहीं होती, मैं हूँ ना। अरे सरोजा दिखाई नहीं दे रही है। सो रही है काकी इस टाइम पे। चलो चलती हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू। सरोजा मैं बस अभी आया। हा? अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अरे बहुत जरूरी काम है, बस यूं गया और यूं आया। अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बाय। सरोजा, दर्श भैया ने इतनी अच्छी नौकरी ढूंढी की क्या कहने, कमाल कर दिया दर्श भैया ने। नहीं पता है, जब मैं विदेश लौटूंगा ना, ज्वेलर्स की सड़ी सी नौकरी को लात मार के अपने खुद की ज्वेलरी शॉप खोलूंगा। और मैंने उसका नाम भी सोच लिया, सरोजा ज्वेलरी शॉप। कैसा लगा ना? तुम मुझे फोन तो करोगे ना? अरे मेरी माँ, सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हें नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? ये भी ना अभी नहीं मिलनी थी। अरे सरोजा, तुमने मेरी ब्लू वाली शर्ट देखी है क्या? सरोजा सरोजा, सरोजा अगर तू ऐसे करेगी ना तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मत जा। जाना तो पड़ेगा ना। और देख, सिर्फ सिर्फ 3 महीने की बात है, और फिर इतने सारे शॉपिंग के पैसे कहां से आएंगे हमारे पास? उल्टी सीधी शॉपिंग। और वैसे मेरी घड़ी पता है क्या कह रही है? मेरी घड़ी कह रही है कि अभी मेरे पास पूरे पूरे 20 मिनट है। तो चुप रहो और दाई चुप जा। चलो जा। हेलो। हाँ अरविंद पहुंच गए। सरोजा मैं यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, कैसे भी करके तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। सरोजा मुझे प्लीज बात करने दीजिए। सरोजा मेरी बात सुन रही हो तुम? सरोजा अरविंद, हेलो अरविंद, अरविंद हेलो हेलो अंतरा काकी।
सरोजा, इतनी रात का है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो, क्या क्या अरविंद जी से बात हो सकती है? हेलो, दोबारा करता हूँ। हेलो, मी सुदेश फ्रॉम इंडिया, अरविंद प्लीज, हेलो हेलो, इससे कुछ नहीं होने वाला, अब एक ही ऑप्शन है अपने पास। साहब, ये सरोजा है, इनके पति विदेश गए थे नौकरी करने के लिए। बैठो भाई लोग। कौन गया विदेश, क्या प्रॉब्लम है? अरविंद, इनके पति। तुम कौन? मैं इनका पड़ोसी। फोन किसने किया था? मेरे पति ने, अरविंद। उन्होंने फोन किया था, वो बहुत घबराए हुए थे। एक मिनट। सिंह, सिंह। हो साहब। इकड़ी काय बोल रहा है यार, बग जरा इनका प्रॉब्लम है। काय प्रॉब्लम है? इनके पति का फोन आया था विदेश से, और बहुत ही घबराई हुई आवाज थी इनकी, कह रहे थे किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। और एक मिनट, कौन विदेश गया है? अरविंद, इनका पति। अच्छा, तो तुम कौन है? मैं इनका पड़ोसी। तो फोन किसने किया? हा? अरविंद, इनके पति ने। साहब, ओ साहब, ये केस तो वहां की पुलिस हैंडल करेगी ना? मला पण काहीतरी तसंच वाटतं। एक काम करो, जो बड़े साहब बैठे ना वहां पे, हाँ वही, वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करो, देखो कुछ होता है तो हम लोग कुछ करते। जाओ। साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ बोला। साहब, इनके पति अरविंद का फोन आया था विदेश से, कह रहे थे किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, और बोल रहे थे। एक मिनट, ये अरविंद कौन है? ये क्या बकवास लगा रखी है? हम लोग कब से समझा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग यहाँ बैठ के झक मार रहे हैं आदमी। मैडम, एक तो हम आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं साहब? सब एक ही बात पूछ रहे कब से, हम लोग सब कहाँ जाएंगे? आप लोग ऐसा करेंगे तो देशमुख सर, रिपोर्ट ले लो उनके। दीदी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पता लगाता हूँ ना क्या करना। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं दीदी, तुम घर जाओ, कहाँ शहर भर में भागती फिरोगी मेरे साथ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। दीदी तुम घर जाओ, मैं ऑटो बुलाता हूँ। ऑटो, ऑटो। मैम, आपके पति तो कभी फॉरेन गए नहीं? क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे फोन किया था, ये देखिए, ये इंडिया का कोड थोड़ी ना है। मैम, जितने भी लोग फॉरेन जाते हैं
उन्हें इस ऑफिस में वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, पर अरविंद खट्टर का नाम हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, आप प्लीज एक और बार चेक करिए ना। मैम मैंने चेक किया है। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति ने इतने पैसे खर्चे, इतनी महंगी टिकट लिए, वहाँ नौकरी ढूंढी है, मैं खुद उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई थी, आप कह रहे हैं ये सब झूठ है। मैम जब हमारे सिस्टम में उनका नाम है। बाहर में क्या आपका सिस्टम, मेरे पति वहाँ पर वो खतरे में है, मुझे नहीं पता, आप कुछ तो करिए। मैम प्लीज प्लीज, मैं एयरलाइंस में बता करके बताता हूँ, और इसमें मुझे एक दो दिन लगेंगे। चलेगा, पर प्लीज कुछ करिए आप। जी हाँ। दीदी वो आपको पक्का यकीन है ना कि भैया विदेश ही गए हैं? तुम्हें मदद नहीं करनी है तो कह दो, लेकिन नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये घर पे कोई आया है? अरे बेटे आ गए आप लोग। बाबा बेटा एम्बेसी में कुछ पता चला? नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है भैया के बारे में। सरू मुझे पक्का पता है ना कि वो विदेशी गए। मतलब? नहीं मतलब उसने तुझसे झूठ तो नहीं बोला ना? शायद तुम दोनों में कुछ परेशानी चल रही थी। कैसी बातें कर रहे हो बाबा, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो दक्ष भाई के कहने। क्या सरोजा बहन, तुम तो जानती हो मैंने कितने लोगों को नौकरी के लिए भेजा हुआ है, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं नहीं आप पर कैसा शक दक्ष भाई, लेकिन अरविंद तो। अरे अरविंद खुद आया था मेरे पास, परेशान हो गया था वो। दक्ष भैया देखिए अब तो मेरी शादी भी हो गई है, और उस तिवारी ने आज तक मेरे एक पैसे नहीं बढ़ाए, तो भैया मैं ये सोच रहा था कि आपसे पूछ लूं कि आपकी नजर में कुछ अच्छी नौकरी वगैरह का सीन है क्या? देख अरविंद अगर तुझे पैसे कमाने ना तो तुझे विदेश जाना होगा, पता है वहाँ टैक्स वैक्स भी नहीं लगता, खूब पैसे कमा और रिटर्न आके अपनी खुद की दुकान खोल ले बस। विदेश? तस्वीर सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखकर होश उड़ जाएंगे तेरे। सुन मेरे वहाँ जमशेद भाई पहचान के हैं, मैं तेरी सिफारिश करता हूँ, जैसे ही ओपनिंग होगी फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के निकल जाना। ठीक है दक्ष भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन मुझे दुकान पे जाना है, लेट हो रहा हूँ, चल मिलता हूँ। थैंक यू भैया, चल सी। मैंने उसको पता है वहाँ रहने का भी इंतजाम करवा दिया। हाँ दक्ष भाई लेकिन उनका फोन आया था, वो बहुत परेशान थे, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए, आप कुछ करिए। अच्छा रुको मैं जमशेद भाई से बात करता हूँ, सब ठीक कर देता हूँ। हाँ जमशेद भाई, अरे वो कुछ पूछना था, मैंने अरविंद को भेजा था आपके पास। क्या गायब? ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है जमशेद भाई मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? जमशेद भाई तो कह रहे हैं वहाँ पे आया ही नहीं, वो पहुँचा ही नहीं, कहाँ गायब हो गया होगा ये। हेलो हेलो सरोजा मैम, मैं एम्बेसी से अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपके पति को दूसरे देश में नकली वीजा के साथ पकड़ लिया है। इसलिए वे दूसरे देश की पुलिस की गिरफ्त में। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कि आप गलत तरीके से वीजा लेंगे तो ऐसा ही होगा। कि उन्हें एप्लीकेशन देकर पूरे प्रोसीजर के साथ अप्लाई करना चाहिए था। पासपोर्ट वीजा एम्बेसी इन सब के होने की एक वजह है, एक कारण है,
ये हमारी आजादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं, हम पर रोक लगाने के लिए नहीं, सिर्फ एक कायदे, एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए है। तो फिर क्यों दक्ष और अरविंद जैसे लोग इस पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, सिर्फ कुछ पैसे, कुछ वक्त बचाने के लिए? और उसका नतीजा क्या होता है? लेकिन दरअसल गलती शायद अरविंद की भी नहीं थी, दक्ष जैसे कई और लोगों की तरह वो इन विधियों, इन कायदे कानूनों से अनजान था। और ऐसे लोगों की नादानी का गलत फायदा उठाने के लिए बहुत से शातिर लोग पहले से तैयार बैठे रहते हैं। कबूतरबाजी, जी हाँ, पूरे देश में इसे यही कहा जाता है, लोगों को इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश भेजना। और आज ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और आज अपराधी ऐसे मामलों में काफी तेज हो चुके हैं, हूबहू असली दिखने वाले वीजा स्टैम्प से लेकर विदेशी अधिकारियों के सिग्नेचर्स तक सारा काम इतनी सफाई से किया जाता है कि तमाम नकली डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। और समाज में अरविंद जैसे अनगिनत लोग हैं जिनकी वजह से ये रैकेट एक फलता फूलता बिजनेस बन चुका है और देश के लिए गंभीर चिंता का विषय। क्योंकि कबूतरबाजी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराध है। और अगर अपराधी पकड़ा जाए तो उसे दोनों देशों के कानून का सामना करना पड़ता है, उनके कोर्ट और उनकी जेल में। और जैसा कि इस केस में हमने देखा, अक्सर अरविंद जैसे मासूमों को ही इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, सवाल हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रणाली का भी है। आखिर कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को नकली वीजा के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी? अगर ये गलती उसी समय पकड़ ली गई होती तो आज सरोजा दर दर न भटक रही होती। हर स्तर पर लापरवाही, हर स्तर पर गैर जिम्मेदारी, और इन तमाम गलतियों का खामियाजा भुगत रहा था अरविंद। आखिर अरविंद अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगा कभी? क्या सरोजा अपने पति को फिर से देख सकेगी? सालों से मैं एम्बेसी वालों के साथ काम कर रहा हूँ, विनोद भाई के साथ इतना काम किया, हमने इतने लोगों के वीजा और पासपोर्ट बनवाए, आज तो कोई प्रॉब्लम आई है नहीं ना? 40,000 में उनसे अच्छा काम कोई नहीं करता। 40,000? मुझे विनोद से मिलना है। उनका नया टेलरिंग शॉप का एड्रेस तो मुझे नहीं पता, एक काम करता हूँ, मैं फोन पे बात करवाता हूँ। हेलो, हाँ विनोद भाई। अरे सुनो, यहाँ कुछ गलत फहमी हो गई है, मेरे एक दोस्त को विदेश में पकड़ लिया है। हाँ, कहते वीजा नकली है। अरे हाँ, उसकी बीवी मेरे पास बैठी हुई है, बहुत परेशान है। प्लीज विनोद भाई, जरा देख लो तुम, मैं तुम्हें नंबर मैसेज करता हूँ, प्लीज बात कर दो उससे, प्लीज। ठीक है विनोद भाई, का दो दिन में तुम्हें कॉल आ जाएगा, सारा मसला सुलझ जाएगा। ना फोन किया ना फोन उठा रहा है, पता नहीं किधर गए। बेटा बेटा बेटा, जल्दी चल बेटा, अंदर बुलाया। बाबा बैठो, मैं आती हूँ। खबर यह है कि पहले अरविंद की पेशी बाहर विदेश की कोर्ट में होगी और उसके बाद ही हम उनसे अरविंद को लाने की दरख्वास्त कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? देखिए, कहना तो मुश्किल है क्योंकि बाहर विदेशों में ऐसे मामलों को काफी सीरियसली लिया जाता है। हो सकता है 2 महीने, या हो सकता है 1-2 साल भी। 2 साल? ये क्या बकवास है? अगर आपको ऐसा लगता है मैं अपने पति को 1-2 साल जेल में सड़ने दूंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। कानून तो कानून होता है, इसमें आप भी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? किसी की तो पहुंच होगी, कोई तो होगा, मुझे उससे अभी मिलना है, अभी बात करनी है। मैम, इसके आगे हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, हमने हमारी पूरी कोशिश की है, एंड आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब।
विनोद, ना फोन किया ना फोन उठा रहा है, पता नहीं किधर गए। बैठे रहोगे? आले बेटा, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हेलो, मैं रामा बोल रही हूँ। आप वीजा का काम करते हैं ना? मुझे नौकरी मिली है, मुझे वीजा चाहिए। अच्छा, आदमी पहुंच जाएगा। दो फोटोग्राफ्स, एक एड्रेस प्रूफ, दो मार्कशीट और 50,000 रुपए। मुझे ना जल्दी है थोड़ी, मैं आ जाऊँ क्या? ये सब कुछ लेकर। ठीक है। क्या काम है? विनोद जी से मिलना है, वो वीजा की बात हुई थी उनसे। अच्छा, एक मिनट। हाँ चाचा, जरा इनको लेके दो। अच्छा जी, चलिए विनोद जी से मिलना ना। चलिए आप मेरे साथ आइए, मैं लेके जाता हूँ। आइए। ऊपर गए थे वो दरवाजा दिख रहे ना भाई? हाँ, दरवाजा। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप बाबा आप यहीं रुकिए। जी मैं रमा। रमा? अच्छा अच्छा, वो नर्स, आपको वीजा चाहिए था जी। हाँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पैसों का इंतजाम तो हो गया ना? हाँ बिल्कुल। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, 7 दिन में सब फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएगी और आप सीधे फ्लाइट पर। बस वो पैसे जल्दी मिल जाते तो। हाँ लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम? और मेरे काम में? आप किसी से भी पूछिए, विनोद से अच्छा और सस्ता काम कोई नहीं करता। हाँ लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि वीजा नकली है तो? नकली? क्या मतलब? मतलब अगर मैं वहाँ पकड़ी गई तो आप मेरी मदद के लिए होंगे ना, गायब तो नहीं हो जाएंगे? कौन है तू? मैं वो हूँ जिसका फोन 2 दिन से काट रहे हो, अरविंद की बीवी। भागने की कोशिश मत करो, बाहर मेरे बाबा हैं, पुलिस को बुलाओ क्या? पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, फिर अपने पति को देखने का सपना भूल जाओ हमेशा के लिए। देखिए मैडम, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अगर मैंने सही आदमी को सही टाइम फोन किया ना, तो संडे तक आपके पति आपके घर।
मेरी गारंटी है। देखिए मैडम, आप समझदार हैं। एम्बेसी जाकर पता तो किया ही होगा ना आपने। क्या कहा उन्होंने, एक साल, दो साल? मैडम ये सब कहने की बात है, उनसे तेज वीसा तो मैं बना देता हूं। ये काम भी आप मेरे जिम्मे छोड़िए और फिर देखिए मेरा कमाल। कैसे विश्वास करूं आप पर? जितना आप सोच रही हैं ना, उतना भी बुरा नहीं हूं मैं। मेरा काम क्या है, लोगों के सपने सच करना, उन्हें विदेश भेजना, नौकरी लगाना। अगर भूल चूक से मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? खैर, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर संडे तक मेरा पति मेरे घर नहीं आया, यहाँ आके ना तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। आप बस मेरे फोन का इंतजार कीजिए मैडम। सरू, ये क्या किया तूने? ऐसे आदमी पे कोई भरोसा रखता है क्या? मुझे अरविंद वापस चाहिए, किसी भी हाल में। बस सही गलत मैं नहीं जानती। अच्छा, तो आप ही हैं जो नकली वीजा का धंधा चलाते हैं? नकली वीजा? साहब कैसी बात कर रहे हो, मेरी बाहर छोटी सी टेलरिंग की दुकान है और ये सब मेरा गोडाउन है साहब। अरे झूठ बोल रहा है आदमी, यहाँ पे पहले टेबल था, कंप्यूटर था, फाइल वाइल रखी थी, सब निकाल दिया इसने। अरे कितनी बार बोला तुझको, मैं कोई वीजा वगैरह नहीं बनाता हूँ। साहब इस औरत ने मुझे परेशान कर रखा है, पिछली बार तो मुझे इसको अपनी दुकान से जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। अच्छा, साहब ये कुछ नहीं, मेरा सामान है। क्या पैसा तुम्हें? कपड़े हैं साहब मेरे। साहब कुछ भी नहीं मिला, सब कपड़े हैं। मैंने बोला था ना साहब, इस औरत को कुछ गलत फहमी हुई। बेकार है कोई मैडम ने हम लोग का टाइम घोटे किया। चलो। अरे नहीं नहीं साहब, सच्ची है, फ्रॉड आदमी है। देखो मैडम, सिर्फ आपके कहने पे हम इधर आया, बिना वारंट के इसका तलाशी भी लिया, कुछ मिला क्या? अब बिना कुछ एविडेंस के तो अरे एविडेंस नहीं तो क्या हुआ? इसको लॉकअप में लेके जाओ, मारो पीटो, सब सच बोल देगा। अब पुलिस है, इतना तो कर सकती है ना। बस तुमको हमारा काम नहीं सिखाने का मैडम। सबसे पहले तो ये जो आपका गुस्सा है ना, इसको कंट्रोल में रखो। आपको अपना पति वापिस मांगता है ना, हाँ, तो उसको बोलो कि ये खुद हमसे कहे कि इसने गुनाह किया, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। पर ऐसे वो कैसे? चलो दीदी चलो। जब मैं विदेश से लौटूंगा, ज्वेलर्स की सड़ी सी नौकरी को नाथ मार के मैं खुद की ज्वेलरी शॉप खोलूंगा और मैंने उसका नाम भी सोच लिया।
सरोजा ज्वेलरी शॉप। सरोजा, सरोजा, तेरा फोन आ रहा पता नहीं कौन से नंबर से। अरे बेटा देख किसका फोन है। हेलो सरोजा, मेरी मदद करो सरोजा। अरविंद, मुझे इतना मारा है कि मारा है। अरविंद मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। सरोजा विनोद है ना, उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसने मुझे 40,000 रुपए लिए थे और मुझे बताया तक नहीं कि इस तरह की मुसीबत में फंसा रहा है। अरविंद तुम डरो मत, तुम वापस यहाँ जरूर आओगे। मैं तुम हेलो अरविंद, अब ये मामला पुलिस और गवर्नमेंट के बीच का है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? आप भी तो बाहर गांव गए थे, अगर आप ऐसे फंस जाते तो अरविंद आपकी मदद करते ना। वो वीजा नकली था, बिल्कुल नकली। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? मैंने पुलिस से पूरी बात कर ली है, आपको सिर्फ एक फोन कॉल करना है। ठीक है। हेलो, हाँ सुल्तान भाई, हेलो। हेलो, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, दक्ष का दोस्त। विनोद टेलरिंग से बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ। ये तुम लोग विदेश में भी डिलीवरी करते हो क्या? हाँ हाँ करते हैं। विनोद जी ये पहले ही बता देता हूँ, ये 10,000 कॉटन के शर्ट चाहिए मुझे। 10,000? हाँ देख लो, ये काफी बड़ा ऑर्डर है। अगर आप कर पाओगे तो बता दो, नहीं तो काफी लोगे करने के लिए मेरे पास। तो नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी, डिलीवरी हो जाएगी, आप बस एड्रेस मैसेज कर दीजिए। अच्छा ये बताओ डिलीवरी आप खुद ही करोगे ना? हाँ हाँ मैं खुद करूंगा डिलीवरी। अच्छा डिलीवरी 5 दिन के अंदर ही चाहिए, चलेगा? सिर्फ 5 दिन? देख विनोद अर्जेंट काम है, बहुत बड़ा क्लाइंट है। मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुझे। मुंह मांगी कीमत? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कोई रास्ता नहीं है? हो ही नहीं सकता, 5 दिन में तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट भी नहीं मिलेगी। ठीक है चलो फिर मैं निकलता हूं, थैंक यू। बिल्कुल फिकर मत कर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अरे मेरी माँ, मैं खाना खा लूंगा टाइम पर। और एक काम कर, तुम भी टाइम पे खा लेना, ठीक है? क्या हुआ साहब? किधर जा रहे हैं आप? कल्याण। कल्याण जा रहे हैं? हाँ सर। देशमुख बाहर ले गया इसको। चल क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब? बाहर चल। सब क्या हुआ चल। हो सर। सब क्या किया मैंने? किधर जा रहा है? कल्याण, कल्याण जा रहा हूँ ना सब। कल्याण जा रहा है? हाँ सर। हैं? सच बोल रहा है? सर पासपोर्ट और पैसे मिले हैं। कुछ नहीं किया सर। ये कहाँ पास? ये कल्याण जाने के लिए पासपोर्ट कब से लगने लगा? साहब अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? साहब एक डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहा है? हाँ। अभी तू बोला कल्याण जा रहा है। हाँ। अब तू बोल रहा विदेश जा रहा है? ओके यानी कल्याण में एक दोस्त रहता है, उसके यहाँ सामान ड्रॉप करके फिर एयरपोर्ट जाऊंगा। साहब ये क्या कर रहे हैं? कभी बोलता विदेश जाएगा, कभी बोलता कल्याण जा रहा है, भेड़ा समझा हमको? हाँ सच बोल रहा हूँ। सब सामान दोस्त का ड्रॉप करेगा तो खाली आ जाएगा विदेश। ये बिठा रहे इसको, कपड़े बहुत बड़ा फ्रॉड दिखता है। मेरे को बहुत बड़ा फ्रॉड दिखता है, इसको मैसेज ऑफिस में लेके चलते हैं, इसका भैया चेक करवाते हैं। छोड़ दो। ये वीजा तो नकली है,
बता तेरे गैंग में और कौन है और ये तू कितने टाइम से कर रहा है? बोल। गैंग साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, साहब मेरा एक टेलरिंग का बिजनेस है, छोटा सा धंधा है साहब। ऐसे नहीं बोलेगा तू। बोल बोल बोल। बता दो। हाँ साहब सब बता दो। मैं तो बस लोगों की मदद करता हूँ। मेरे को भी एक फोन आया था, बहुत बड़ा शिपमेंट था, तो मैं एम्बेसी चला गया। अब उन्होंने बोला कि 5 दिन में वीजा नहीं मिलेगा, फिर मैं क्या करता साहब? तुझे लगता है ऐसे फर्जी वीजा बनाकर तेरा काम हो जाएगा? पहली बात तो यह कि तुझे विदेश से किसी का फोन ही नहीं आया, और दूसरी बात ये सब प्लान था तुझे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए, समझा? देशमुख ले जाओ इसे। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो मैडम, इस आदमी ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है। अब ये लंबा जेल में सड़ेगा। विदेश में भी जहां आपके पति फंसे हुए हैं, हम उनके ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर देंगे, बहुत जल्द वो भी घर वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। जिंदगी में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर इसका मतलब है किसी नई जगह जाकर किसी नए देश में नौकरी करना, तो फिर क्यों नहीं? अगर इंसान कुछ महीनों की कड़ी मेहनत से अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज कोई नहीं है। हर्ज है तो सिर्फ नई जगह के नियमों से अज्ञात रहने में, विनोद जैसे लोगों पर भरोसा करने में। जाली वीजा बनाने और लोगों को ठगने के जुर्म में विनोद को आईपीसी के सेक्शन 415 और 416 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। सरोजा के हौसले और उसके अटल विश्वास की मैं दाद देता हूँ। हर परेशानी हर दिक्कत के सामने वो डटी रही, झुकी नहीं। अरविंद के प्यार को अपना संबल बनाकर आगे बढ़ती ही गई, और आखिरकार अरविंद को मौत के मुंह से बचा ही लाई। जरा सोचिए, अगर सरोजा ने घुटने टेक दिए होते तो अरविंद हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहता, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। किसी भी नई जगह जाने से पहले वहां के तौर तरीके और कायदे कानून जानना बेहद जरूरी है। आखिर ये कायदे कानून हमारी हिफाजत के लिए ही तो बनाए गए हैं, लिहाजा इन कानूनों का पालन करना हम सबका फर्ज है। और साथ ही साथ विनोद जैसे शैतानों के खिलाफ आवाज उठाना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, ये भी हमारा ही फर्ज है, जिस फर्ज को सरोजा ने बखूबी निभाया। सरोजा को सावधान इंडिया का सल्यूट, और आप सबसे फिर वही दरखास्त कि सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।